रॉक चौंपियर से। मैं तो सर पूछना चाहूंगी आपसे, हेलो सर, कि हेलो। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं भी चाहूंगी कि जो आपकी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो एंड आप लोग अखंड भारत में आए, एंड आई जस्ट लव इट। सर मेरा एक पॉइंट था कि सर जो भी पाकिस्तान अभी कर रहा है दैट इज ही इज डूइंग टू, मतलब अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है चाइना भी ये बात से वाकिफ है कि क्वाड जो बना है ये इन टॉक्सिक पीपल से निपटने के लिए ही बना है और इनकी टॉक्सिसिटी इतनी हो गई है कि अब अनबियरेबल है। सर मैंने बहुत सारे बलूचिस्तान पे न्यूज देखे, मुझे बलूचिस्तान से एक भी ब्लॉगर नहीं मिल रहे हैं कि मैं उनसे कॉन्टेक्ट भी करूँ। तो सर एक्चुअली सर बलूचिस्तान की जो कंडीशन चल रही है सर, इसको कैसे मर्ज किया जाएगा इंडिया में सर, हाउ? मेरा सवाल ये है, सवाल से ज्यादा सर मेरी क्यूरियोसिटी है ये। बलूचिस्तान में जो इस वक्त कंडीशन है उसको इंडिया में कैसे मर्ज किया जाए? नहीं, सर बलूचिस्तान एंड गिलगित जितने भी जो हैं आप पोर्शन, उसको इंडिया में जैसे आप लोग कोलैबोरेट या मर्ज करना चाह रहे हो, कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखिए, बलूचिस्तान तो कहता है ना कि हमें आजादी चाहिए, हम पहले भी आजाद रियासत थी तो हमें आजादी चाहिए। तो वो मैं ये ये यहाँ पे होना चाहिए, ये मैं वो एक डॉक्यूमेंट और लिख रहा हूँ और ये उर्दू में लिख रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जाएगा, ये वहां पे अंडरग्राउंड जो है ना प्रिंट होके तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका टाइटल है सियासत नहीं बगावत, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इसके अंदर मैंने इस सवाल का भी जवाब दिया और इसका जवाब ये है कि बलूचिस्तान आजाद रियासत बनने के बाद वो तभी कायम रह सकता है अगर वो इंडिया के साथ कन्फेडरेशन कायम करे, यानी फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। वो ये कन्फेडरेशन कायम किए बगैर नहीं रह सकता। पीओजेके और पीओजीपी, पीओजीपी और पीओजेके के लिए इस वक्त जो वाइटल तरीन स्ट्रैटेजी है वो ये है कि उसके अंदर जो है वो लावा फटे और अंदर से आवाज उठे कि हमने भारत के साथ जाना है, ताकि एक जवाब बने भारत के लिए भी कि हमारे लोग वहां आवाज उठा रहे हैं, हमारे लोग वापस आना चाह रहे हैं और वो एक इंटरनेशनल वो बने। उसके लिए करेजियस लोगों की जरूरत होती है, उसके लिए बहादुरी की जरूरत होती है, उसके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड की जरूरत होती है, उसके लिए फोकस ऑफ जो है वो आपका मिशन की जरूरत होती है और उसके लिए सेल्फलेसनेस की जरूरत होती है और उसके लिए बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि जरूरत होती है कि आप अपने काम में, अपने मिशन में, अपने जिंदगी में विश्वास रखें। इसीलिए मैं कहता हूं दो चीजें। एक तो मैं कहता हूं हमेशा कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। तो दूसरा मैं कहता हूं कि हर दिन जो मेरा, मैं सुबह उठता हूं तो मैं शुक्र करता हूं भगवान का और मैं कहता हूं कि मैं उस दिन फिर ऐसे काम करता हूं कि जैसे ये सोच के काम करता हूं कि ये मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, कल पता नहीं मैं होगा मेरे पास कि नहीं होगा, आज ही जो मैंने जो कुछ करना आज हो, ये कमिटमेंट लेके, ये जोश और वलवला और जज्बा लेके जब काम करते हैं आप तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। फिर और कोई आप नाकाम हो ही नहीं सकते। मेरा वजूद नहीं भी रहेगा तो अब जो ये काम मैंने जितना फैला दिया है ये इतना पावरफुल है कि ये आज नहीं तो कल ये अपना रंग जरूर दिखाएगा। देखो जिया, नरेश एक बात सर, बताओ तुम्हें, आप जुनून जगाने की कोशिश कर रहे हैं सारे में, ये बहुत अच्छी बात है सर, एंड मैं तो होप करते आई प्रे सर कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए। थैंक यू। जी मैंने आना है देखो, दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली आना चाहता हाँ हूँ, हिंदुस्तान में मैं मिलना चाहता हूँ लोगों को पीओजे के जाने से पहले। जैसे कहते हैं ना जी परिवार को वो जी यूनिट जी वाले सर भेजते हैं कि जाओ घर 2 दिन की छुट्टी, जी सबको मिल मिलाओ, तुम्हें बॉर्डर पे जाना है। तो मैं ऐसा नहीं, चाहता एक हूँ कि मैं एक दफा दिल्ली आके सारे सबको अपने परिवार को बिल्कुल मिलूं बिल्कुल और उसके बाद इंशाल्लाह फिर। बिल्कुल, अगर ये बात हो तो बड़ा अच्छा, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। और हाँ यहाँ पे मतलब जैसे वहाँ पे लोगों में, काफी लोगों में इंडिया के खिलाफ प्यार भी है,
और बाकी जरूर है कि मैं लंदन में था तो मेरी कुछ पाकिस्तानियों से बातचीत होती थी, कुछ रिलेशनशिप भी थे हमारे, ऑफिशियल काम थे नहीं वैसे भी, तो बड़ा एक नॉर्मल सी बात हुआ। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हेट्रेड फैलाते हैं कुछ, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि आपस में बातचीत हो। और लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो गया, मौका लग गया, तो इंडिया चला जाएगा। जैसे आपने कहा वहां पे अगर कुछ बवाल हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, इंडिया को मौका मिला तो इंडिया जाएगा। मैं जिया तो एक बात कहना चाहूंगा इससे पहले, मैं उदय से बात करने से पहले, कि ऐसा है कि हमारा हमारा एक तो बॉर्डर लगता है गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के साथ। अगर कुछ होगा, जैसे हमारा 65 या 71 का वार हुआ, स्पेशली जब 71 का वार हुआ था तो उस टाइम इवन सीआईए ने कहा था कि इंडिया पीओके ले लेगा, लेकिन शायद इंदिरा गांधी के माइंड में वो बात नहीं आई। इंदिरा गांधी का ध्यान पूरा था कि हम पाकिस्तान के टुकड़े करते हैं, और उस टाइम पे शायद डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी पीओके के अंदर या गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर। और जो थोड़ा बहुत एरिया लिया था हमारी फोर्स ने वो वापस नहीं किया, क्योंकि वो हमारा एक एग्रीड बॉर्डर नहीं है, तो वो हम देंगे भी नहीं जब ऐसा हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जहां तक बात करते हैं बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर नहीं लगता। इवन जब 71 का वॉर हुआ था तो इनिशियली ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान हारने लगा तो ईरान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना तो छोड़ दिया, बल्कि सेकेंडली उन्होंने सोचा कि अब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो बलूचिस्तान को लेने की तैयारी कर रहे थे कि बलूचिस्तान को अपने यहाँ मिला लें, क्योंकि काफी बलूचिस्तान उनके अंदर है, तो उनकी तो ये पॉलिसी थी। और इंडिया ने अगर 71 में बांग्लादेश को लिबरेट कराया था तो वहां का उन्होंने एक हिस्सा नहीं रखा। इवन एक जो आईलैंड थी जो पानी के अंदर 3 महीने पानी के अंदर रहती थी और 9 महीने पानी के ऊपर रहती थी, वो भी बांग्लादेश को बाद में देती इंदिरा गांधी। लेकिन यहाँ पे जहां तक पीओके गिलगित बाल्टिस्तान की बात है, ये बेसिकली एक इंडियन टेरिटरी थी जो पाकिस्तान ने या कुछ जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे जिन्होंने, जैसे मेजर ब्राउन की बात करते हैं, एक साथ में कर्नल भी थे जो लाहौर में बैठे हैं, इन्होंने मिलकर ब्रिटिशर को दे दी। और ब्रिटिशर की यही एक पॉलिसी थी कि वो चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान को दे दें ताकि हमसे गल्फ खुश हो जाए, ये उनकी पॉलिसी थी। और उसके बाद 2017 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कह दिया, पीएम मोदी वहां गए थे, उनके पार्लियामेंट ने एक मोशन पास किया कि ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है दिस एरिया बिलोंग्स टू इंडिया एंड इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। तो प्लानिंग हमारी है, लेकिन ये देखते हैं कि मौका कब लगता है। मौका होता है कि ये सिचुएशन के साथ लगा के बैठे होते हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है सारे परिवार के साथ बात करने का, लेकिन मेरे पास 2 मिनट हैं, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं, रेडियो मालिया की खबरें भी करनी है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे आगे दीजिए, मैं खामोशी से निकल जाऊंगा। सर मेरा एक ही है बहुत, मेरा भी वही कहना है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। बड़ा मजा आ रहा है और बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, नहीं जाने का दिल कर रहा है लेकिन मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट है तो आई विल बी गोइंग। एंड मैं खाली डॉक्टर साहब को ये कहूंगा, सर आगे बढ़िए, हिंदुस्तान आपके साथ पीछे है, और धीरे धीरे मेरे ख्याल से जो मैं आपको कह रहा हूँ उसका रिजल्ट मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा, एंड यू विल बी हियरिंग फ्रॉम द टॉप अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड ऊपर से यार देयर आर सो मेनी पीपल, इसका मतलब ये है कि आप वो वाले सिपाही हैं जिसको प्लेटून कमांडर ने कहा कि पिछले रास्ते से निकल के कोशिश करो, पीछे से पैदल जाके उनको इतला करो कि यहाँ पे बमबारी हो रही है। ऑलरेडी हो गया सर, ऑलरेडी हो गया। अरे अच्छा, उसके ऊपर से बहुत लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आई विल जस्ट विड्रॉ एंड मेक प्लेस फॉर अदर पीपल हु वांट टू जॉइन द स्टूडियो। चलिए नमस्कार एंड सर।